नमस्ते, आओ प्रज्ञा स्लोत्रा। ते तो सारे लोग दिखा रहे हो सीधी लकीर। कोरोना वायरस पर अपडेट दें तुसे सारें गी। ते अज दे दिन जम्मू कश्मीर दे साढ़े 523 लोग नवे ऐसे जड़े कि कोरोना वायरस बीमारी का शिकार होए। जम्मू डिवीजन दा ते जे मैं तुसी चेचे सुनावा ते जम्मू डिवीजन च साढ़े अज दे दिन 156 लोग जड़े ने ओ भी कोविड-19 का टेस्ट जड़ा होंदा ओ पॉजिटिव आया है। और गल करां जे रिकवरीज दी, 41 लोगों रिकवर भी किया अज के दिन जम्मू डिवीजन तू, और एक बंदे ने अपनी जान भी गुआई ओड़ी है। सब तो पहले ये दसनी है तुहेंगी कि 156 जड़े नवे लोग जड़े ने कोरोना वायरस के जाल च फसे ने। ये लोग जड़े ने जम्मू डिवीजन के किस इलाके तो रोने वाले है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट तू अज के दिन 66 नवे केस दिखने गीत होए ने। कठुए की गल करा तो कठुए के रोने वाले 27 लोग अज के दिन कोरोना वायरस का शिकार होए ने। रजौरी तू 16 नवे पॉजिटिव केस दिखने गीत होए। उधमपुर च 2 पॉजिटिव केस सामने आए ने। रामबन तू 9 लोगों अज के दिन उनका कोविड-19 का टेस्ट जो पॉजिटिव आया। सांबे तू 2 लोग अज के दिन पॉजिटिव आए। और डोडा तो दसा तो डोडा के रोने वाले 11 लोग ऐसे जो अज के दिन कोरोना वायरस के जाल च फसे ने। पुंछ के रोने वाले 4 लोग जड़े ने उनका भी कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया। किश्तवाड़ तू 10 नवे पॉजिटिव देखने गीत होए। और रियासी तू 2 लोग आज दे दिन कोरोना बीमारी का शिकार होए ने। गल करने हैं रिकवरीज दी कि 41 लोगों आज दिन जड़ा रिकवर किया है। रिकवरियां किस इलाके तू हुई दी ने? 10 लोग जम्मू डिस्ट्रिक्ट तू आज दिन रिकवर करी बैठे दिन है। इं की तुम्हें मैं कठुए सुनावा तो कठुए तू 11 लोगों की रिकवरी हुई है अज के दिन। एक बंदा रजौरी तू भी रिकवर करी है अज के दिन। सांबे के रोने वाले 15 लोग अज के दिन रिकवर करी अठ दिन है। और पुंछ तू 4 लोगों की रिकवरी हुई है। सांबे लॉकडाउन तो पूरा पूरा फायदा जरूर होया है। अज के दिन खाली 2 केस जड़े ने वो दिखने गीत हुए हैं। और 15 लोगों रिकवर किया अज के दिन। तो हूँ तुम्हें दसनी है कि एक बंदा जरा पूरा होएगा अज के दिन जम्मू डिवीजन तू, वो जम्मू डिवीजन के किस जिले का रोने वाला हा? तो वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का रोने वाला हा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अज की मौत मिलाइए जम्मू डिस्ट्रिक्ट चो 14 लोग जड़े ने जड़े कि कोरोना वायरस की वजह कन्नै पूरे हुई देना है। एक बंदा कठुए तू भी पूरा हुई दा है। रजौरी तू भी 2 लोगों की मौत जड़ी है वह कोरोना वायरस की वजह कन्नै हुई। एक बंदा उधमपुर तू पूरा होया। सांबे का रोने वाला भी एक बंदा जड़ा कोविड-19 का पेशेंट हा पहले, पर हूँ वो साढ़े विच नहीं रहा है। डोडा तू भी 2 लोगों की मौत हुई है। तो पुंछ का रोने वाला भी एक बंदा जड़ा कि कोरोना बीमारी की वजह कन्नै साढ़े विच नहीं रहा। टोटल मौतां जड़ियां होई दियां ना उसे सुनाउणा कि 22 लोग साढ़े जम्मू डिवीजन के ऐसे हे जिंदी मौत कोरोना वायरस की वजह कन्नै हुई। और रिकवरीज दा जे मैं तुसीं सुनावां ते 1,967 लोगों अज दिन रिकवर किया। इं कि तुसीं मैं एक्टिव केसिस दा जे दसां तो 1,647 एक्टिव केसिस अले भी साढ़े जम्मू दिखने की थोड़ा देना है। और इं जो तुम्हें टोटल दसा हूं कि साढ़े जम्मू कश्मीर जम्मू डिवीजन के किन्ने ऐसे लोग ने जड़े कि कोरोना वायरस बीमारी के जाल च फसे ने। तो उनका नंबर है 3,636 लोग कोरोना वायरस बीमारी के जाल च फसे, जिदे 22 जड़े ने वह पूरे हुई देने। अज दिन भी 156 केस दिखने गीत होए ने और 41 लोगों रिकवर किया। हूँ गल करने कश्मीर डिवीजन की। तो कश्मीर डिवीजन के लोग जड़े इस टाइम पे जो मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी लोगों को ये बताऊं कि आज के दिन कश्मीर घाटी में 367 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। सबसे पहले आपको यही बताती हूँ कि 367 नए पॉजिटिव केसेस कश्मीर घाटी के किस इलाके से आए हैं। श्रीनगर में आज के दिन 145 लोगों का कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। बारामूला से 18 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। कुलगाम से 6 लोग आज के दिन इस बीमारी का नया शिकार बने हैं। शोपियां से 11 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। अनंतनाग से 20 मामले कोरोना के सामने आए हैं। कुपवाड़ा से 10 लोग आज के दिन कोरोना वायरस का नया शिकार बने। पुलवामा के रहने वाले 62 लोगों का कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। बड़गाम से 56 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। और बांडीपुरा की बात करूं तो बांडीपुरा से 30 नए लोग कोरोना वायरस के जाल में फंसे हैं आज के दिन। और गांधरबल के रहने वाले 9 लोगों का टेस्ट आज के दिन पॉजिटिव आया है। इसी तरह अब आपको बताऊंगी कि रिकवरीज, तो 259 रिकवरीज आज के दिन कश्मीर घाटी में हुई हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करूं कि कश्मीर घाटी की किस जिले से रिकवरीज हुई हैं तो वो है बड़गाम। बड़गाम से 94 लोग आज के दिन रिकवर कर अपने घर जा चुके हैं। दूसरे नंबर पर आता है श्रीनगर। श्रीनगर के 40 लोग आज के दिन डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके।
30 लोग बारामूला के रहने वाले, वो भी आज के दिन कोरोना बीमारी से मुक्त हो गए हैं। कुलगाम से 11 रिकवरीज की खबर आई है। अनंतनाग के रहने वाले 7 लोग पर कर अपने घर जा चुके हैं। कुपवाड़ा से 37 रिकवरीज हो चुकी हैं, 23 रिकवरीज पुलवामा से भी हुई हैं आज के दिन। बांडीपुरा से 9 लोगों ने रिकवर किया है और गांधरबल के भी रहने वाले 8 लोग आज के दिन हॉस्पिटल से छुटकारा पा चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। अब बात करती हूँ कि आज के दिन जो डेथ हुई है, तो कश्मीर घाटी में आज के दिन 8 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है और ये 8 लोगों को मिलाकर कश्मीर घाटी में जो मौत का टोटल हो जाता है टोल, अगर आपको बताऊं तो 283 लोगों की जान कोरोना वायरस ने ले ली है। कश्मीर घाटी के रहने वाले थे ये सभी के सभी लोग। और अब आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताती हूँ कि किस जिले में कितनी मौतें हो चुकी है। श्रीनगर से 86 लोगों की मौत हो चुकी है। बारामूला के रहने वाले 63 लोग ऐसे थे जिनकी मौत कोरोना वायरस ने ले ली। कुलगाम से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। शोपियां से 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अनंतनाग के रहने वाले 21 लोगों की मौत जो है कोरोना वायरस बीमारी के कारण हुई। कुपवाड़ा से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलवामा से भी 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़गाम से 21 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हो गई है। बड़गाम के भी रहने वाले 21 लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई। बांडीपुरा से 8 लोगों की मौत और गांधरबल से 6 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हो गई है। तो टोटल अगर अब आपको बताऊं कि एक्टिव केसेस अभी भी कश्मीर घाटी में कितने हैं, तो टोटल इनका आंकड़ा है 5,836 लोग अभी भी कश्मीर घाटी के ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स में सर्वाइव कर रहे हैं अभी भी। और बात करूं अगर रिकवरीज की, तो 7,550 रिकवरीज कश्मीर घाटी में हो चुकी हैं और 283 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो कश्मीर घाटी का अगर आपको टोटल आंकड़ा बताऊं कि कितने लोग जो हैं वो कोरोना के जाल में फंसे हैं, तो उनका आंकड़ा है 13,669 लोग। अब आपको जम्मू कश्मीर का बताती हूँ टोटल की। जम्मू कश्मीर में टोटल जो आंकड़ा बढ़ चुका है, तो आप सभी लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 17,000 भी क्रॉस हो चुका है आज के दिन। 17,305 लोग हमारे जम्मू कश्मीर के जो कि कोरोना बीमारी का शिकार हुए। एक्टिव केसेस की बात करूं तो अब में से अभी भी 7,483 लोग हॉस्पिटल्स में इस कोरोना से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रिकवरीज की बात करूं तो 9,517 लोगों ने रिकवर भी कर लिया है और 305 लोगों की मौत भी कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। और ये 305 लोग हमारे जम्मू कश्मीर के लोग थे, हमारे अपने लोग थे, मे भी हमारे नोन भी होंगे, कुछ हमारे दोस्त भी होंगे जिनकी जान जो है वो कोरोना ने ले ली है। अगर आज का आपको बताऊं तो आज जो 523 नए केसेस आए हैं कोरोना के जो पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 435 लोग लोकल लोग थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया है, लापरवाही की है और आज के दिन इस डाटा में वो शामिल हुए हैं। और 88 लोग जो थे वो ट्रैवलर्स थे। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि नंबर कितनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। 435 लोग इतनी लापरवाही करते हैं जो एक ही दिन में वो सभी के सभी पॉजिटिव आ जाते हैं। जितनी वो लापरवाही करते हैं शायद उनको तब मालूम नहीं चलता, लेकिन उनकी हरकत, उनका रिजल्ट जो है वो इस डाटा में दिख जाता है जब पता चलता है कि इस डिस्ट्रिक्ट से इतने लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं और उनमें से लोकल जो है वो इतने थे। तो लोकल का साफ साफ मतलब पता चल जाता है कि इन लोगों ने लापरवाही की है। अगर इन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की है तो इन लोगों ने लापरवाही की है, इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, इन्होंने मास्क नहीं लगाया, इन्होंने हाथ अपने लगातार नहीं धोए हैं और अपने साथ साथ पता नहीं कितने और लोगों को ये बीमारी भी लगवाई होगी। तो आप सभी लोगों से यही कहूंगी कि इन छोटी छोटी चीजों का पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना बीमारी जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे देश भर में भी आप सभी लोगों को पता है कि लाखों के तादाद में लोग जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में भी 17,305 लोग जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और 305 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं और आप लापरवाही कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और ना ही इस बीमारी को सीरियसली ले रहे हैं। तो जिस दिन हम इस बीमारी को लेकर सीरियस हो जाएंगे,
तब ये बीमारी जो है वो घटने भी लगेगी, रिकवरीज भी ज्यादा होने लगेंगी और केसेस जो है वो कम आने शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों से यही कहूंगी जाते जाते कि अपना पूरा ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, साफ सफाई पूरी रखें, और साथ साथ लोगों जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उन्हें भी ये समझाएं कि लापरवाही ना करें। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगी कोरोना वायरस पर अपडेट लेकर आप सभी लोगों के सामने। आपको सिर्फ यही कहूंगी कि देखते रहिए द स्ट्रेट लाइन न्यूज़।